तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले कि हम अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को परमानेंटली कैसे डिलीट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को परमानेंटली डिलीट करना है तो मोबाइल में अपने इंस्टाग्राम में चले जाना है। यहाँ पे आपको अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को परमानेंटली डिलीट करना है तो यहाँ पे सिंपली आपको अपने प्रोफाइल पेज पे चले जाना है। प्रोफाइल पेज पे चले जाने के बाद दोस्तों, यहाँ पे आपको थ्री लाइंस दिखाई दे रही है, सिंपली उस पर क्लिक करना है। कुछ सेटिंग्स है, आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं। आप जो है इजीली अपने अकाउंट को परमानेंटली डिलीट कर सकते हो। यहाँ पे आप जैसे सेटिंग्स पे क्लिक करोगे, सेटिंग एंड प्राइवेसी में हमें चले जाना है। सेटिंग एंड प्राइवेसी में आने के बाद दोस्तों, यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। तो सिंपली अकाउंट सेंटर का जो ऑप्शन आपको पहले दिखाई दे रहा है, सिंपली उस पर क्लिक करना है। बहुत ही सिंपल सी सेटिंग है दोस्तों। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। ऑप्शन आपको दिखाई देगा दोस्तों पर्सनल डिटेल्स। तो पर्सनल डिटेल्स का जो ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है, सिंपली हमें उसमें एंटर होना है। जैसे आप यहाँ पे एंटर होंगे तो यहाँ पे जो है आपको अपना यूजर नेम वगैरह, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, अकाउंट ओनरशिप एंड कंट्रोल, इस तरह के ऑप्शन दिखाई देंगे। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है थर्ड नंबर पे, अकाउंट ओनरशिप एंड कंट्रोल, सिंपली हमें उसमें एंटर होना है। जैसे हम यहाँ पे एंटर होते हैं तो डीएक्टिवेशन और डिलीटेशन का हमें एक ऑप्शन दिखाई देगा। सिंपली हम उसमें एंटर हो जाना है दोस्तों। के बाद आपको जो है अपने इंस्टाग्राम की प्रोफाइल पेज दिखाई देगा, पिक्चर दिखाई देगी, सिंपली उस पर क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे दोस्तों, तो यहाँ पे दो ऑप्शन आपको पूछेगा, डीएक्टिवेट अकाउंट, डिलीट अकाउंट। तो यहाँ पे अगर आप अपने अकाउंट को टेम्परली कुछ वक्त के लिए डीएक्टिवेट करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, और परमानेंटली डिलीट करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। तो अभी हमें अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को परमानेंटली डिलीट करना है तो क्या करना पड़ेगा, डिलीट अकाउंट पे हमें सेलेक्ट कर लेना है और कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे कुछ रीजन आपको पूछेगा कि आप अपने अकाउंट को जो है डिलीट क्यों करना चाहते हो। यहाँ पे आप कोई भी रीजन सेलेक्ट कर सकते हो दोस्तों। यहाँ पे मैं एग्जाम्पल के लिए कोई भी जो है रीजन सेलेक्ट कर लेता हूँ। सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो है आपको अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का पासवर्ड पूछेगा। तो सिंपल यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड डाल देना है दोस्तों। यहाँ पे आपने अपना पासवर्ड इस तरह से डाल देना है, जैसे मैंने डाल दिया। यहाँ पे अपना पासवर्ड डालने के बाद सिंपली दोस्तों आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे जो है इस तरह से ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डिलीट अकाउंट का एक ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एक और चीज बता दूं, अगर आप अपने अकाउंट को डिलीट कर देते हो फिर से रिकवर करना चाहते हो तो 30 डेज के अंदर जो है आप इसे रिकवर भी कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपको फिर से लॉग इन कर लेना है 30 दिनों के अंदर, तो आपका अकाउंट फिर से रिकवर भी हो जाएगा। लेकिन अभी हमें डिलीट करना है तो सिंपली डिलीट अकाउंट पे क्लिक कर देना है। इतनी करने के बाद यहाँ पे थोड़ी सी लोडिंग लेगा, तो हमें यहाँ पे थोड़ी देर वेट करना, हमारा अकाउंट जो है भी परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कंफर्म परमानेंट अकाउंट डिलीटेशन। यहाँ पे दोस्तों जो आप देख सकते हो मेरा अकाउंट जो है परमानेंटली डिलीट हो चुका है। मैं ऑटोमेटिकली अभी अपने दूसरे अकाउंट में जो है लॉग इन हो चुका हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो मैं अपने दूसरे अकाउंट में एंटर हो चुका हूँ। तो इस तरह से जो आप इजीली अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को परमानेंटली डिलीट कर सकते हो। तो होप दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करना, चैनल को याद से सब्सक्राइब करना।